इज्जत माँ माननीय जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सुबह जम्मू के ऑफिस में जनाब हमारे जम्मू प्रेसिडेंट जनाब यहाँ पे तशरीफ रखे हुए हैं हमारी हमारे फॉर्मर मिनिस्टर जो एम एल ए रहे हैं हमारे ओ बी सी सेल के हमारे प्रेसिडेंट जनाब के प्रेसिडेंट जनाब विजय लोचन सदियों से जम्मू कश्मीर रियासत जो थी वो एक जन्नत थी लेकिन बदकिस्मती है कि इस रियासत के भी दो टुकड़े कर दिए लद्दाख यूटी अलग कर दी और जो हमारी रियासत थी जम्मू कश्मीर उसको भी यूटी कर दिया। मैं समझता हूँ कि तमाम हालात को देखते हुए सबसे पहले हमारी मांग जो है वो यही है कि स्टेटहुड हमें जो वापस दिया जाए कम से कम हम एक जो हमारा स्टेटस था वो स्टेटस भी हम हमसे जब छीना गया तो इससे ज़्यादा वो क्या दुखदायक हालत जम्मू कश्मीर के लोगों की हो सकती है वो आपके सामने है। लेकिन इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जरूरत इस बात की है कि हम पार्टी को किस ढंग से मजबूत किया जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि उन डिस्ट्रिक्टों को हम देखें नए सिरे से देखें ब्लॉक लेवल पे क्या हमारी कमेटियां कंप्लीट हुई हैं ब्लॉक ग्रास रूट लेवल तक जब आप नहीं पहुंचेंगे जब तक उस बूथ का मैनेजमेंट सही नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हम लोग अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम ग्रास रूट का वो आखिरी वोटर जो है उस तक हम अपनी रसवाई ना करें। क्या इसका विषय है? बेसिकली पार्टी एक्टिविटीज का पार्टी मेंबरशिप का और जो पार्टी हाल ही में जो टॉय दिसानी और उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में मीटिंगें हुई जलसे हुए डिफरेंट तमाम डिस्ट्रिक्टों के उस सिलसिले में एक पार्टी का फीडबैक लेना चाहते हैं कि फर्दर हमें क्या करना है फर्दर जिसको कंसोलिडेट और स्ट्रेंथ करने के लिए क्या करना है। वो जो मुझे जिस तरह गुप्ता साहब ने कहा सिचुएशन जो इस वक्त रियासत में है वो सबसे आया है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नोन फॉर द सिक्योर क्रीडेंशियल्स जो हमारे रहे हैं 47 से ये नहीं आज की बात नहीं है हिंदू मुस्लिम सिक्रियात की लहर वहाँ से चली है 47 कश्मीर से जब रेडर्स ने हमला किया उस वक्त हमने उस चीज़ का मुकाबला किया हमें किसी की सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। आज उस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है आज नफरत फैलाने की बात की जा रही है आज कम्युनिटीज़ और कम्युनिटीज़ में दूरियां पैदा की जा रही हैं जो हमारी रियासत और हमारे मुल्क की यकजहती के लिए इतिहाद के लिए ख़तरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने स्टैंड को दोहराएगी उसके लिए काम करेगी और उन ताकतों का मुकाबला करेगी जो रियासत में मज़हब के नाम पे कम्युनिटी के नाम पे सेक्ट के नाम पे तबके के नाम पे डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम देखेंगे उसको बात करेंगे उसके लिए। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग वो भी भारी डिस्काउंट के साथ तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराए नहीं यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है तो खुलकर कीजिए शॉपिंग क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर फुटवेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी जयपुरी चूरन किड्स स्टॉल हाउसहोल्ड आइटम्स हर्बल प्रोडक्ट्स किचनवेयर आइटम्स क्रॉकरी वॉचेस रेडीमेड कर्टन सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल तो इंतजार किस बात का आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आए और लाभ उठाए इस सुनहरे मौके का।
लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर गोल्ड मार्केट गांधीनगर जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।